अक्षय तृतीया 10 मई को है और इस दिन सोने खरीदने और दान करने का प्रचलन है। ऐसे में आइए जानते हैं इस वक्त मार्केट में क्या है सोने का दाम। दरअसल इस समय सोने की कीमत काफी हाई है। बाजार में सोने का भाव 72,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। आमतौर पर जब आप गहने खरीदने जाते हैं तो कीमतों को लेकर संदेह होते हैं। यह सवाल उठता है कि ज्वेलर्स गहनों की कीमतों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दरअसल कई फैक्टर हैं जो गहनों की कीमतों को प्रभावित करते हैं। इनमें सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज, गहने में लगे हीरो या नगीनों की कीमत शामिल होती है। ज्वेलर टू ज्वेलर सोने की कीमत में भी अंतर होते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे तय होती है सोने की कीमत। सोने के गहनों की फाइनल प्राइस तय करने का फॉर्मूला है गहने की फाइनल प्राइस सोने की कीमत प्लस मेकिंग चार्ज प्लस 3% GST प्लस हाल मार्किंग चार्ज। कीमत सोने की शुद्धता पर भी निर्भर करती है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट या 14 कैरेट की कीमतें अलग अलग रहती है। सोना जितना शुद्ध होगा कीमत उतनी अधिक होगी। 24 कैरेट सोना सबसे महंगा होता है, वहीं 14 कैरेट सबसे सस्ता माना जाता है। ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज लेते हैं, इसे वेस्टेज चार्ज भी कहते हैं। अमूमन यह प्रति ग्राम आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं या प्रतिशत के आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं। कुछ लोग दोनों का मिक्स यूज करते हैं। वे सोने की मौजूदा कीमत का 1% लेते हैं, फिर प्रति ग्राम के आधार पर चार्ज करते हैं। उदाहरण के लिए 22 कैरेट सोने की कीमत 68,000 रुपए है तो मेकिंग चार्ज सोने की कीमत का 1% प्रति ग्राम लिया जाएगा, यानी यह 680 प्रति ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम के सोने की चेन खरीदते हैं तो मेकिंग चार्ज 6800 रुपए होगा। GST गहने की कुल कीमत पर लगता है, सोने पर हाल मेकिंग जरूरी है, इसलिए हाल मेकिंग चार्ज भी देना होता है। अब आपको बताते हैं कि डायमंड रिंग की कीमत कैसे तय होती है। 3.5 ग्राम 18 कैरेट सोने की डायमंड रिंग में सोने की कीमत 19,600 रुपए होगी। 3.5 ग्राम सोने पर मेकिंग चार्ज 1750 रुपए बनेगा। रिंग में डायमंड की कीमत 4500 रुपए है। इस तरह डायमंड रिंग की कुल कीमत 25,850 रुपए होती है। इसमें 3% GST 776 रुपए हुआ। हाल मेकिंग चार्ज 45 रुपए हुआ। ऐसे में डायमंड रिंग की कुल कीमत 26,671 रुपए होगी। वैसे आप इस अक्षय तृतीया कौन सा गहना खरीद रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।